यस वेलकम बैक फ्रेंड, थैंक यू फॉर क्लिकिंग हेयर। दिस इज़ मी सादिक हुसैन एंड यू आर वॉचिंग बायोलॉजिज्म। सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ टेस्ट नंबर 12, जिसके अंदर हमने रेप्टाइल्स को जो है वो देखा था। होपफुली सब लोग जो है इस टेस्ट को अटैम्प्ट कर चुके होंगे। इस टेस्ट के अंदर प्रोग्रेस जो है बहुत अच्छी थी। सो मैं जल्दी जल्दी जो करेक्ट आंसर थे उनको क्रैक करवाता जाता हूँ कि उनके करेक्ट आंसर जो है वो कौन से थे। सो पहला हमारे पास क्वेश्चन था कि वर्टिब्राए ऑफ रेप्टाइल्स के, रेप्टाइल के जो वर्टिब्राए होते हैं वो कौन से होते हैं। तो उनको हम कहते हैं गैस्ट्रोसेलस वर्टिब्राए। ऑप्शन डी जो था इसके अंदर क्रैक था। मूविंग अहेड, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था, कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए थे जिनसे ये पूछा गया था कि इनमें से लिजर्ड्स जो है वो कौन सी नहीं है। सो क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ये लाजमी खास ख्याल रखा करें कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से वर्ड जो है वो यूज़ किए गए हैं। हम जैसे देखें यहाँ पे क्वेश्चन ये यूज़ किया गया था कि कौन सी चीज़ लिजर्ड नहीं है। सो लिजर्ड जो है वो कौन सी चीज़ नहीं है। तो इनके अंदर टॉर्टारा जो है वो एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि लिजर्ड नहीं है। इग्नस हो, गैको हो या कैमेलॉन हो, ये सारे के सारे लिजर्ड के अंदर कंसिडर होते हैं। सो हम आगे मूव करते हैं जी। तीसरा हमारा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल हैव द शॉर्टेस्ट टेल। कि हमें फॉलोइंग गिवन ऑर्गेनिज्म में से ये बताना था कि कौन से ऑर्गेनिज्म या रेप्टाइल की शॉर्टेस्ट टेल है, जिसकी टेल सबसे छोटी है। सो लिजर्ड थी, कैमेलॉन थी, पाइथन थी और कोबरा था। तो कोबरा जो है इसकी आपको पता है टेल बहुत छोटी सी होती है, शॉर्ट सी टेल होती है, बिल्कुल एंड के ऊपर, एक स्मॉल फिंगर की जितनी, ठीक है। सो हम आगे जाते हैं जी। तो यहाँ से हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये क्वेश्चन था कि फ्लाइंग ड्रैगन बिलोंग टू, कि हमें एक बेसिकली बताना ये था कि कौन सा ऑर्डर है या कौन सी बेसिकली उसकी क्लास है जिसके अंदर फ्लाइंग ड्रैगन आते हैं। गैको के अंदर, कैमेलॉन के अंदर, टॉटोरा के अंदर या एगोनॉस के अंदर। तो एगोनॉस वो ऑर्डर है बेसिकली ड्रैगन का जिनके अंदर फ्लाइंग ड्रैगन आते हैं। सो ऑप्शन बी वॉज करेक्ट। नेक्स्ट द किडनी इन रेप्टाइल्स। अब बेसिकली आप जानते हैं कि किडनी के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ नेफ्रॉन डिफरेंट टाइप हैं। प्रोटोनेफ्रस है, प्रोनेफ्रस है, मेसोनेफ्रस है, मेटानेफ्रस है। तो रेप्टाइल के अंदर जो किडनी होती है दैट इज़ मेटानेफ्रस, जिसके अंदर जो जो बेसिकली नेफ्रॉन मौजूद होती है वो मेटा स्टेज पे होती है। दिस इज़ बेसिकली द स्टेजेस ऑफ नेफ्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटपॉचिंग एंड ग्रोथ। नेक्स्ट, कैपुलेटरी आर्गन के हवाले से बात की गई थी कि किसके अंदर कैपुलेटरी आर्गन जो है वो एब्सेंट होते हैं। अब कैपुलेटरी आर्गन आर द आर्गन बेसिकली यूज फॉर फॉर कैपुलेशन। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे गलत लगा हुआ है। बेसिकली इसका ऑप्शन जो है वो स्नेक्स है, सेफेंडॉन नहीं है, रियली सॉरी। इसका करेक्ट आंसर जो था वो स्नेक्स था, ठीक है। देन जी यहाँ पे लिविंग फॉसल्स के हवाले से एग्जांपल की गई थी कि कौन में सा जो है वो लिविंग फॉसल है, स्नेक, टॉटोरा, लिजर्ड या डायनासोर। तो जो टॉटोरा है बेसिकली दे आर द लिविंग फॉसल्स। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो है ड्रैगन का एक ऑर्डर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। स्नेक्स बिलोंग टू, के ये ऑर्डर पूछा गया था हमारे से कि स्नेक्स जो है वो कौन सी चीज़ से बिलोंग रखते हैं। तो अनेप्सिडा, ये तो सारे के सारे ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेड क्या कहते हैं उसकी स्ट्रक्चर के हवाले से। तो लेपेडोसोरिया एक ऐसा आर्डर है जिसके अंदर स्नेक्स जो है वो आते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं जी। आगे हमारे पास है फेनेस्ट्री इज एबसेंट इन, के कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर फेनेस्ट्री जो है वो एबसेंट होती है। तो अनेप्सिडा एक ऐसा आर्डर है जिसके अंदर बेसिकली क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर फेनेस्ट्री जो है वो एबसेंट होती है। फेनेस्ट्री इज बेसिकली अ बोन प्रेजेंट इन द हेड रीजन ऑफ द रेप्टाइल। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड फॉर अबोरियल लाइफ। अबोरियल लाइफ ऐसी लाइफ है जो कि ऑन द लैंड और खुश्की के ऊपर मौजूद हो। तो सबसे पहले कैमेलॉन जो ड्रैगन थे उन्होंने अबोरियल लाइफ जो है उनको अडॉप्ट किया। अबोरियल एक और चीज़ भी याद रखिएगा, अबोरियल में फ्लाइंग ड्रैगन आते हैं जो कि बेसिकली ऑन द ट्रीज जो है वो भी, ऑन द ट्री भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो रह सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसके अंदर करेक्ट था। मूविंग अहेड, अ टर्टल रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी। टर्टल जो है आपको पता है सेक्सुअल मैच्योरिटी बहुत लेट आती है, ऑलमोस्ट 7 ईयर जो है उनको लग जाते हैं फॉर गेनिंग द सेक्सुअल मैच्योरिटी।
नेक्स्ट समझाते हैं जी, थायरॉप्सिड अराइजेस फ्रॉम, थायरॉप्सिड भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेड रीजन है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि जो जो रेप्टाइल्स हैं इनकी हेड स्ट्रक्चर की बेस पे बहुत सारे क्लासेस जो है, बहुत सारे जो क्लासीफाइड हैं वो टाइप्स मौजूद हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ इनको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इनमें से 2 से 3 MCQ जो है वो ज़रूर आते हैं। तो थायरॉप्सिड जो है ये अराइज हुए थे साइनेप्सिड से, तो ऑप्शन बी वॉज करेक्ट। मीडियन मॉथ इज़ प्रेजेंट इन, मीडियन मॉथ बेसिकली एक एक ऑर्गेनिज्म भी है, मॉथ आता है और एक स्ट्रक्चर भी है जो कि पॉइजनस होता है, और ये वर्म लिजर्ड के अंदर जो है वो मौजूद होता है। सो ऑप्शन डी वॉज करेक्ट। नेक्स्ट समझाते हैं जी, तो हमारे पास क्वेश्चन था स्पेशल आर्टिकुलर सरफेस ऑन द वर्टिब्राई ऑफ स्नेक। स्नेक्स की वर्टिब्राई के ऊपर एक स्पेसिफिक डॉर्सो वेंट्रल कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, कुछ सर्फेसिस मौजूद होती हैं जिनको आप जैगेंट्रा एंड जाइगोस्फेन कहते हैं। अब जैगेंट्रा एंड जाइगोस्फेन जो है इनका बेसिक जो फंक्शन है बेसिकली वो उन ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइट की डिटेक्शन है, ठीक है, ये बात लाजमी याद रखिएगा, ये लाइट को सेंस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास हम देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एबसेंट इन द रेप्टाइल्स, की कौन सी चीज़ जो है वो रेप्टाइल के अंदर एबसेंट होती है। तो वोकल कार्ड जो है दे आर एबसेंट इन रेप्टाइल। वोकल कार्ड ऑलरेडी आप जानते हैं, ह्यूमन को आपने अच्छी तरह स्टडी किया होगा कि दे आर बेसिकली द ऑर्गन रिलेटेड टू वॉइस प्रोडक्शन, तो उनके अंदर ये एबसेंट होते हैं। नेक्स्ट है जी, यूनरी ब्लेडर इज एबसेंट इन स्नेक्स। यूनरी ब्लेडर जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रिलेटेड है बेसिकली आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से, तो स्नेक के अंदर ये एबसेंट होता है। जी वी वर टॉकिंग अबाउट हेलोड्रेमा स्पेक्ट्रम इज, तो ये विनोमस लिजर्ड होती है, सो ऑप्शन सी ठीक था यहाँ पे। दिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विनोमस लिजर्ड। विनोमस लिजर्ड ऐसी लिजर्ड है जो कि पॉइजनस है। सो अगला एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, से कि स्नैक के अंदर क्या होता है, तो स्नैक के अंदर जो आईलेट्स होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, उनको वो मूव नहीं कर सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास क्वेश्चन था कि अ थर्ड आई प्रेजेंट इन द फोर हेड। एक बात याद रखिएगा, रेप्टाइल के अंदर जो एक थर्ड आई प्रेजेंट होती है फोर हेड के रीजन के ऊपर, जिसे आप क्या कहते हैं, स्फेंडॉन कहते हैं। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट समझाते हैं जी, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टेस्ट। बाय द वे तैयारी आप लोग कर रहे होते हैं पहले से ही, बट सिर्फ हमने क्योंकि 20 क्वेश्चन को कंसिडर करना होता है तो इसलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जी, इन द सिस्टमैटिक आर्टरीज रेप्टाइल जो है वो कितनी होती हैं। तो सिस्टमैटिक आर्टरीज रेप्टाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट नंबर 12। हमारा जो तीसरा टेस्ट है, सॉरी नेक्स्ट टेस्ट है 13 टेस्ट, वो एवीज के ऊपर है, बर्ड्स के ऊपर है। आज रात वो टेस्ट कंडक्ट होगा। सो टेस्ट को तैयार करें अच्छे से और इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अगले टेस्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।